प्रियंका गांधी के गंगा यात्रा का ये चौथा स्टॉपेज लाक्षागिरी है। प्रियंका गांधी सिरसा से लाक्षागिरी आई हैं मोटरबोट से, और यहाँ पे लोगों से मिलने के बाद अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यहाँ से वो बाय रोड आगे निकलेंगी। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी किस तरह से लोगों के बीच हाथ हिलाती हुए आ रही हैं। कई बार ये देखा गया है कि इनकी जो सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएँ की गई थी, जो प्रोटोकॉल है, उसको तोड़ते हुए वो पब्लिक के बीच में आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पब्लिक इनका अभिवादन स्वागत कर रही है, और जहाँ भी कई बार रोकने के बावजूद प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं कि उस वहाँ से वो अंदर पब्लिक के बीच में चली गई हैं, जबकि उनका रूट ये था। कई बार ऐसा देखा गया है जब वो अपने रास्ते से हटकर पब्लिक के बीच में गई हैं, और शायद यही ये वजहें हैं जिसको लेके कहा जाता है कि प्रियंका गांधी लोगों के बीच किस तरह से जुड़ती हैं और लोगों से कनेक्ट करती हैं। यही चीज़ें हैं जो प्रियंका गांधी को लोगों से जोड़ती हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार प्रियंका से मिलना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पूरी भीड़ है, लगातार कह सकते हैं कि जो ऐसे दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक प्रियंका गांधी के आते ही हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। कह सकते हैं कि एक जगह इतनी भीड़ को देख के लोगों को ऐसा नहीं लग पा रहा था कि यहाँ पे इतने लोग होंगे, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ आई हैं, प्रियंका गांधी ने यहाँ 4 से 5 मिनट बोला है, और जो उनका टारगेट था, जो जिस तरह से उन्होंने हिट किया है, वो 3 जो बड़े मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, दूसरा बेरोजगारी का, तीसरा महिला सुरक्षा को लेकर, महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर उन्होंने यहाँ पे सरकार पे कड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस या अब ऐसी पार्टी को चुनना है जिससे कि कम से कम किसानों को, बेरोजगारों, युवाओं को और महिलाओं को सरकार सुरक्षा दे सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके। इन तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने यहाँ पे लोगों के बीच बातचीत की है।